मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं, केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व क्षार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ वित्तकाश गौतम और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ 2018। और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं श्री कृष्ण कन्हाई जी, जो कि जाने माने चित्रकार हैं और पद्मश्री, यश भारती के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। और आपके पिताजी श्री कन्हाई चित्रकार जी पूरी दुनिया में अपनी चित्रकारिता के लिए और अपनी चित्रकारी के लिए बहुत विख्यात रहे, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित उन्होंने एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाई, जिसके लिए वो उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। तो हम सीधा जुड़ते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं मथुरा हूँ के इस मंच पर। नमस्कार गौतम जी। सर, कैसे झुकाव हुआ चित्रकारिता की तरफ? बचपन में जब मैं पिताजी को देखता था पेंटिंग करते हुए, तो मन में मेरे भी हुक होती थी कि जैसा ये बनाते हैं वैसा मैं बनाऊं, लेकिन बहुत कठिन तपस्या थी, बहुत कठिन साधना थी। 15 साल की उम्र में पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तो मैंने अपने हाई स्कूल पास करके उनके साथ जुड़ गया और आज करीब 42 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो ये बहुत लंबी यात्रा रही, बहुत कठिन साधना रही। 25 साल मैंने उनके असिस्टेंट बन के काम किया उनके साथ में। वो चेयर पर बैठते थे, मैं ज़मीन पर बैठता था और वो एक एक बारीकियाँ सिखाते थे, तब जाके आज कहीं गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और पिताजी की कृपा से थोड़ा बहुत काम में कर पाया हूँ जो आपके सामने है। सर, आपकी पहली पेंटिंग आपने 15 वर्ष की अवस्था में बनाई थी, 4 रुपये में बिकी और अब लाखों में आपकी पेंटिंग्स बिकती हैं, तो 4 रुपये से लेकर लाखों तक का सफर कैसा रहा, कैसी शुरुआत हुई और अब आज जब इस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? गौतम जी, क्या हुआ था कि शुरुआत की 2 पेंटिंग मैंने स्वामी हरिदास जी की बनाई, जो बैजू बाबरा और तानसेन के गुरु थे और बांके बिहारी जी के जिन्होंने प्रकट किया था भक्त थे। तो एक तो संगीत कला केंद्र था, उनको डोनेशन दे दी गई थी, और एक पेंटिंग जो मैंने पेपर पर बनाई थी वाटर कलर से, वो एक फॉरनर आया तो पूछा हाउ मच, पिताजी बोले 5 रुपीज, बोले 4 दूंगा, बोले 4 दे जा। वो 4 रुपये नहीं थे, वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी शुरुआत थी, उससे एक लत लग गई काम करने की। फिर वो यहाँ जो शोध संस्थान में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर थे रामदास गुप्ता जी, वो लंदन थे, लंदन रहते थे, जब भी वो वृंदावन से लंदन जाते थे तो मुझसे 11-11 रुपये में, 21-21 रुपये में बांके बिहारी जी के चित्र बनवा के ले आया करते थे। वो पिताजी के पास आके बैठते थे घंटों और वो बोलते थे कि मुझे 10 चित्र बना दो, 5 चित्र बना दो, और वहाँ वो गिफ्ट करते थे। तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई जी। तो 4 रुपये से जो पहली पेंटिंग्स आपने बनाई थी स्वामी हरदास जी की बनाई थी, आपने बताया कि 2 पेंटिंग्स उस तरह की बनाई,
उसके बाद तो लगातार भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की आप पेंटिंग्स बना चुके हैं। हजारों पेंटिंग बनी भगवान की कृपा से, लेकिन शुरुआत के 10-15 साल तो पिताजी जो काम करते थे वही काम में करता रहा। फिर मुझे लगा कि अगर मैं पिताजी के ही फॉलो करता रहूंगा या उन्हीं के चित्र जो बनाते हैं वो बनाता रहूंगा तो शायद मैं अपने आप को कभी आगे नहीं ला पाऊंगा। इसलिए 1990 के आसपास की बात है, मैंने कुछ अपनी पेंटिंग में बदलाव शुरू किया और शुरुआत मैंने करी अपने ब्रिज के ग्रामीण जीवन के जनजीवन से। तो मैंने ग्रामीण जनजीवन पे बहुत पेंटिंग बनाई, जो यहाँ की नदी किनारे का नहाने का है, या कुएं से पानी जल भर के लाने का है, या बच्चे को गोदी में लेके खिलाने का है, इस भैंस से दूध निकालने का है, तो वो ग्रामीण जनजीवन को मैंने उकेरा और वो मीडिया ने बहुत पसंद किया और वो बहुत लोगों को पसंद आई। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी पेंटिंग लोग पसंद नहीं करते और वो खरीदते नहीं है तो आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्यूजन पेंटिंग बनाई, जो आधुनिक कला को और अपनी पारंपरिक कला को मिक्स करके कुछ पेंटिंगें बनाई। वो बनाने के बाद में 3-4 साल बाद मुझे लगा कि कुछ और नाम होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो मैंने कुछ पोर्ट्रेट बनाए और उन पोर्ट्रेट की श्रृंखला में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का पोर्ट्रेट बनाया जो उनको बहुत पसंद आया। उसको पेंटिंग को देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो आप कोई बिल क्लिंटन साहब के लिए, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके लिए कुछ बना के दीजिए। तो मैंने एक हिलेरी क्लिंटन का और बिल क्लिंटन का पोर्ट्रेट बना के दिया जो अटल जी गिफ्ट करके आए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि मैं दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति की पेंटिंग बना रहा था और हिंदुस्तान का सर्वोच्च व्यक्ति उसको गिफ्ट करने वाला था, तो बहुत कौतूहल था मन में और वो पेंटिंग मैंने बनाने का प्रयास किया और वो बहुत पसंद की गई। आपकी बनाई पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट विधानसभा में भी सुशोभित हैं। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ख्याल से मैं अकेला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी 42 पोर्ट्रेट 1937 से लेकर अभी तक के सारे मुख्यमंत्रियों की और सारे स्पीकर्स की करीब 42 पोर्ट्रेट उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगे हैं और एक पूरी गैलरी बनाकर मुख्यमंत्री जी ने उसको वहाँ पूरी एक इस तरह का डिस्प्ले किया है कि पूरे इतिहास को एक गैलरी में सजो कर रखा है। तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, इसकी कृपा है, व्याजी की कृपा से मुझे ये काम करने का मौका मिला, वरना ऐसे मौके कम ही लोगों को मिलते हैं। जी, एक तरफ तो आपने भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई और विभिन्न आपने बताया ग्रामीण परिवेश पर आधारित तो और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। एक तरफ आपने राजनेताओं की पेंटिंग्स बनाई, बिल क्लिंटन तक की आपने पेंटिंग्स बनाई, तो इसमें भाव में कुछ बदलाव आता है? जैसे आप जब भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स बनाते हैं तो उस समय को क्या भाव रहता है और जब राजनेताओं की पेंटिंग्स बनाते हैं तो उस समय क्या भाव रहता है? देखिए, भाव तो निश्चित रूप से कृष्ण की जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं और पोर्ट्रेट बनाने के भाव बिल्कुल अलग होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि एक आर्टिस्ट को काम करना अगर आता है तो वो काम भी कर सकता है जो भाव प्रमुख हो और वो काम भी कर सकता है जो यथार्थवादी हो, रियलिस्टिक हो। तो ये भगवान की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से मुझे दोनों विधाओं में ही काम करने का मौका मिला और सफलता भी मिली। यहाँ एक बात हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि श्री कन्हाई जी ऐसे चित्रकार हैं इकलौते, अगर कहा जाए तो इनके जो पिताजी थे श्री कन्हाई जी, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कृष्ण कन्हाई जी को भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये इकलौता ऐसा मामला है जिसमें पिता पुत्र की जोड़ी को चित्रकारी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया हो। तो सर, कितना मुश्किल ये रहता है? हमने बहुत सारे उदाहरण इस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पिताजी जिस फील्ड में हो, पुत्र उस फील्ड में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है, चाहे आप बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, जब पिताजी को सन 2000 में पद्म सम्मान मिला तो मेरे अंदर एक हुक सी उठती थी, एक आग सी लगती थी कि यार बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, शायद 10-20 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरा नंबर आ जाए। लेकिन ईश्वर कृपा से मुझे 2004 में वो सम्मान मिला। लेकिन सम्मान पाना कि कोई आपको सम्मानित करता है, कोई आपकी पेंटिंग को पसंद करता है, कोई आपकी तारीफ करता है, तो उस कलाकार के ऊपर मुझे लगता है कि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है। उस सम्मान का सम्मान करने के लिए सामने वाले को फिर और काम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और वो मैंने कोशिश करी कि मैं और मेहनत करूं, क्योंकि जब किसी को पता लगे कि एक पद्म सम्मान मिला हुआ है और उन आर्टिस्ट की ये पेंटिंग है, तो उसको सम्मान को बरकरार रखने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने कोशिश की है वो, और वो कोशिश अभी जारी है।
आपको पद्मश्री अवार्ड मिला था, यहाँ पर सुशोभित है, तो कैसा अनुभव रहा था? फिर पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद कोई जिम्मेदारियां बढ़ी जो पहले कृष्ण कनाई थे और जो पद्मश्री कृष्ण कनाई थे, उनमें कुछ अंतर आया? नहीं, एक तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे पद्म सम्मान जो है वो अब्दुल कलाम साहब के हाथों मिला, जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सम्मान पाने के बाद में फिर मैंने और मेहनत करी और काम किया, विभिन्न शैलियों में काम किया, पोर्ट्रेट बनाए, रियलिस्टिक बनाई, और कुछ कृष्ण की पेंटिंगों में जो हमारी पारंपरिक पेंटिंग थी उसको चेंज करके कॉन्टेम्परी थोड़ी आधुनिकता और परंपरा का संगम किया मैंने। जो पेंटिंग अभी स्टेज पे लगी हुई है आप देखेंगे, इसमें कृष्ण भी हैं, भाव भी हैं, लेकिन पारंपरिक से अलग है और थोड़ा डिफरेंट काम किया, और जो काम आज की लोगों की मांग भी है। तो इन जो आपने नए बदलाव इन पेंटिंग्स में किए हैं जो पिताजी किया करते थे उसके तर जो आपने शुरुआती दौर में की थी, उसके अलावा जो बदलाव किया गया है तो क्या उस पर रिस्पॉन्स किस तरह का मिला है? लोग पसंद करते हैं उस बदलाव को? हाँ, आज वक्त बदल गया है, पारंपरिक चीजों से लोग हट रहे हैं, थोड़ी सी आधुनिक लोगों का रहन सहन हो गया है, सोचना हो गया है, सारे के सारे नई युवा पीढ़ी जो है वो विदेश पढ़ के आ रही है तो वहाँ पेंटिंग देखते हैं, वहाँ के लोगों की कल्चर देखते हैं, तो यहाँ भी बदलाव बहुत आए हैं। लेकिन मैंने कितने भी बदलाव किए लेकिन मैंने भाव को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगा। आपकी पेंटिंग्स में एक सोने का काम भी बताते हैं, जैसे आपके ये पीछे पेंटिंग्स है शायद भगवान श्री कृष्ण की है, अलग तरह से कुछ दर्शाए गए हैं, इसमें जो फूल हैं ये क्या सोने का काम है इन पर? ऐसा है गौतम जी, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाऊं। एक बार हम बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात है, हम महाभारत पढ़ रहे थे। महाभारत में जब पांडवों को वनवास होता है और वो अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ रहते हैं, द्रौपदी वहाँ राजा विराट की पत्नी की दासी होती है, कीचक जो राजा विराट के साले हैं उनका मन मुग्ध हो जाता है द्रौपदी पर, और द्रौपदी को लुभाने के लिए वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम दासी बनकर हो, मेरे महल में रहना रानी बनकर, और मेरा महल ऐसा है, मेरे किले ऐसे हैं, और मेरे महल की दीवारें जो हैं वो स्वर्ण चित्रों से पटी हुई हैं। ये शब्द महाभारत में मिलता है, तब हमें जानकारी हुई कि सोने का काम चित्रों में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज से करीब 60 साल पहले जब मेरे पिता श्री वृंदावन आए, उससे पहले वो बॉम्बे में गुरुदत्त जी के साथ थे एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, ये प्यासा वगैरह फिल्मों में बनी, लेकिन बॉम्बे मन नहीं लगा, वो वृंदावन आ गए, तो वृंदावन आकर उन्होंने रिसर्च किया कि कृष्ण की पेंटिंग को सुंदर कैसे बनाया जाए, उसमें क्या किया जाए, तब उन्होंने सोने का काम शुरू किया, और ये संभवत है उत्तर भारत में ये एक तरीके से दोबारा जीवन मिला स्वर्ण चित्रकला को, क्योंकि उत्तर भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों में बहुत लड़ाई झगड़े हुए तो ये कला प्राय खो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने दोबारा इस कला को प्रकट किया और दोबारा स्वर्ण चित्रों की पेंटिंग बनाई, और जो कन्हाई शैली के नाम से और कन्हाई पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई, और आज उसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत खूब। तो मैं मथुरा हूं के इस मंच पर हम बात कर रहे हैं कृष्ण कन्हाई जी से, चित्रकार पद्मश्री से सम्मानित, और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं, केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकवंट, फ्लैट से सस्ती विला आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं और हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने चित्रकार कृष्ण कन्हाई जी। सर हमारी बात चल रही थी जो ब्रेक पे जाने से पहले जो स्वर्ण चित्रकारी है उसके ऊपर, तो जैसा आपने बताया कि महाभारत काल में स्वर्ण चित्रकारी की जाती थी, उसके बाद में बीच में कुछ ऐसा दौर आया जब इस विधा को हम लोग खो चुके थे, तो ये फिर से
हमने वापस पाई, इस पे फिर से दोबारा काम प्रारंभ हो चुका है। तो अब क्या स्थिति है, इस समय कहाँ तक स्वर्ण चित्रकारी है, कहाँ कहाँ काम होता है? ऐसा था गौतम जी कि जब पिताजी ने आज से 60 साल पहले यहाँ शुरू किया, उससे पहले उन्होंने रिसर्च किया, तो हिंदुस्तान में दो जगह स्वर्ण चित्रकारी होती थी। एक दक्षिण भारत में तंजौर करके एक स्थान है, जो तंजौर पेंटिंग के नाम से वहाँ की पेंटिंग बहुत फेमस हैं, लेकिन उनमें भाव नहीं होते और न ही किसी कलाकार का नाम होता है। वो टूरी एक ट्रेडिशनल पूरे के पूरे शहर उस पेंटिंग को बनाता है कि स्टाइल है, उस स्टाइल के नाम ही तंजौर पेंटिंग है। और एक होती है नाथद्वारा शैली, जो राजस्थान और नाथद्वारा में पेंटिंग बनती हैं, उसमें भी स्वर्ण चित्रकारी होती थी, लेकिन वो पेंटिंग छोटी साइज की मिनिएचर पेंटिंग होती थी वाटर कलर के साथ में, आइवरी पर, हाथी दांत पर या पेपर पर। वो भी राजाओं के घर तक सीमित थी, आम लोगों में, आम घरों में वो पेंटिंग देखने को नहीं मिलती थी। जब मेरे पिताश्री ने ये काम शुरू किया आज से करीब 60 साल पहले, तो उन्होंने बड़े कैनवासेस बनाए और लोगों को उन्हें पसंद किया, तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में पेंटिंगों को लगाया। अगर आप पुराने इतिहास को देखेंगे तो कृष्ण की पूजा, मूर्ति पूजा होती थी पत्थर की या धातु की, लेकिन कृष्ण की पेंटिंग बनाने का प्रचलन नहीं था। ये या तो राजा रविवर्मा ने शुरू किया आज से करीब 125 साल पहले, और उसके बाद में जो पेंटिंग प्रसिद्ध हुई वो फिर कन्हैया जी की पेंटिंग प्रसिद्ध हुई, जो पेंटिंग लोगों के हजारों पेंटिंग बनाई और हजारों लोगों हजारों पेंटिंग बिकी और हजारों लोगों के घर में लगी। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास डेवलप हुआ जो पिताजी के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा किया गया। सर, आप दूसरी पीढ़ी के कलाकार हैं, अगर कन्हैया फैमिली की बात की जाए, तीसरी पीढ़ी भी चित्रकारी में उतर चुकी है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे दो बेटे हैं, दोनों इसी क्षेत्र में हैं, सिद्धार्थ और अर्जुन, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो जरूर नाम रोशन करेंगे प्रदेश का और देश का। तो थोड़ा सा उनकी स्टाइल अलग है, लेकिन हर एक कलाकार की अपनी अपनी स्टाइल होती है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वो अपनी एक नई शैली याद करें और नई तरीके से काम करें, और कर रहे हैं, शायद उनको सफलता मिले, ईश्वर की कृपा जरूर होगी। तो सर, जैसा आपने बताया कि शैली अलग है, लेकिन थीम वही रहेगी जिसके लिए जाने जाती है कन्हैया परिवार, भगवान श्री कृष्ण। नहीं, कृष्ण तो ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनका अपना सोचने का तरीका है, तो वो कुछ थीम से अलग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जो अपनी भारत की और अपने भारतीय कल्चर की मिलती हुई है, उससे कल्चर से अलग नहीं हुए हैं। क्या ये कोई मजबूरी तो नहीं है आज के जो बाजारवाद की जो हावी होता जा रहा है, कि उसके अनुकूल पेंटिंग्स बनानी पड़ती हों, जो जिसमें डिमांड हो उसके आधार पे बनानी पड़ती हों, जो आधुनिकीकरण आपकी पेंटिंग्स में अब देखने को मिलता है, जो बदलाव देखने को आ रहा है? नहीं गौतम जी, मैंने वो काम नहीं किया है। जो पेंटिंग आज मॉडर्न पेंटिंग बन रही है, आज हर एक नया युवा जो है 2 साल के कोर्स करके एक पेंटिंग बना रहा है, मैंने वो काम नहीं किया, न मैं उस काम को कभी करूंगा। ये पेंटिंग तो एक तरीके साधना है, आपको बहुत रियाज करना पड़ता है क्लासिकल म्यूजिक की तरह, तब जाकर ये भाव आते हैं, वरना पेंटिंग के भाव आना बहुत मुश्किल काम है। रंगों को बिखेरना हो वो बहुत आसान होता है, लेकिन भाव लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने अपनी परंपरा को और कृष्ण को नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ूंगा। एक सवाल मेरे मन में ये है, दरअसल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग्स जिन्हें अच्छी लगती हैं, बहुत बड़ा वर्ग है पेंटिंग्स के दीवानों का, लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि आप एक सीधी लाइन खींच के दिखा दो तो नहीं खींच पाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग, इतनी भव्य पेंटिंग्स बनाना कितनी मेहनत का काम है, कितने दिन लगते हैं, कहाँ से विचार आता है, शुरुआत कैसे होती है? क्या था, जो पेंटिंग हमारी पारंपरिक चल रही थी उन पेंटिंग की तो हम लोग कॉपी करते थे, एक पेंटिंग बना ली, वो आपको पसंद आई आपके लिए बना ली, किसी और को पसंद आई उसके लिए बना दी। लेकिन अब जो मैं काम कर रहा हूँ उनकी हम कॉपी नहीं करते, तो एक पेंटिंग को, एक एक पेंटिंग ही मास्टरपीस है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या भाव होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कंपटीशन भी इतना है। वृंदावन में रहकर आपको सारी दुनिया में पेंटिंग भेजनी है, लोगों को पेंटिंग पसंद करानी है, क्योंकि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में हजारों आर्टिस्ट भरे हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। वहाँ लोगों से कंपटीशन करने के लिए हमें भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है, और उसकी मेरी कोशिश जारी है। जैसा आपने बताया, भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स प्रमुखता से तो यही बनाई जाती रही हैं आपके द्वारा, परिवार द्वारा, अब तक लगभग कितनी पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं, अगर हम बात करें आपके द्वारा और पूरे कन्हैया परिवार के द्वारा कितनी बनाई जा चुकी हैं? देखिए, कोई इसका रिकॉर्ड या गिनती तो नहीं रखी गौतम जी,
लेकिन इतना जरूर है कि मुझे जो करीब 125 वर्ष का इतिहास बनता है हमारे परिवार का, तो लगभग 15,000 पेंटिंग हम लोगों ने बनाई हैं, और मुझे लगता है कि मेरे 42 साल के अभी तक के कार्यकाल में करीब 4,000 पेंटिंग मैंने बनाई होंगी, क्योंकि जब मैं अपना इतिहास देखता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो कितनी पेंटिंगें मैंने जब 15 साल की उम्र से बनानी शुरू करी और वो आज तक चल रही हैं, तो एक छोटी छोटी पेंटिंग बनाते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो 4,000 पेंटिंग तो कम से कम मैंने बनाई होंगी, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। जी, जैसे आपने बनाया मास्टरपीस बनाते हैं आप, यानी एक पेंटिंग में दोहराव नहीं होता है, दोबारा नहीं बनाते हैं, तो बड़ा ये तो दुष्कर होता होगा कि जो पेंटिंग्स आपने पहले बना दी कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदा है, दोबारा से फिर से वही कागज पे ना उतर आए, इस तरह की कैसे रहता है कि जो पहले नहीं बनाई मैंने। इसमें एक बात जरूर होती है, तकलीफ तो होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की जो जरूरत होती है, एक आर्टिस्ट का जो जो एक भूख होती है वो पूरी होती है, क्योंकि उसको रोज नया काम करना है, और आर्टिस्ट चाहता है कि मैं रोज नया काम करूं, रिपीटेशन ना करूं, तो वो भूख पूरी करने के लिए भी एक काम करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिस्ट की अपनी इच्छा होती है ना कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जो पिछली बार ना किया हो, आगे हो, क्योंकि कविता हो या कला हो, वो कभी कमी पीछे नहीं जाती, वो हमेशा आगे ही जाती है, और रोज नया ही काम करना चाहिए, और रोज नया काम करना पड़ता तभी मजा आता है। जी, पद्मश्री से सम्मानित हैं, सम्मान मिल चुका है, इतनी सारी पेंटिंग्स आपने अलग अलग क्षेत्रों में बनाई हैं, अमेरिका तक आपकी बिल क्लिंटन की पेंटिंग आपने बनाई, विधानसभा में आपकी पेंटिंग्स सुशोभित हैं, कोई दिल में ऐसी कोई इच्छा अभी रह गई हो कि वो कोई खास पेंटिंग्स, कोई खास आपकी जो विचार जो तूल का लेकर आपको कागज पर अभी उकेरनी हो जो बाकी हो? देखिए, वैसे तो इच्छा ये है कि कभी कृष्ण सामने आकर बैठे और उनकी पेंटिंग बनाई जाए, इच्छा तो ये है, लेकिन ये एक इच्छा है, ईश्वर कब पूरी करेंगे पता नहीं, और भी बहुत सी इच्छाएं हैं, जैसे मेरे एक मन था कि कभी मौका मिले तो मैं नेल्सन मंडेला का पोर्ट्रेट बनाऊं, जी, जो वर्षों जेल में रहने के बाद में फिर राष्ट्रपति बने, बिल गेट्स का बनाऊं, ऐसे कुछ दुनिया की जो महान हस्तियां हैं उनकी पोर्ट्रेट्स बनाऊं, अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपकी पहचान है, जिनके अब तक आप बहुत सारे पोर्ट्रेट, बहुत सारी पेंटिंग्स भगवान श्री कृष्ण की बना चुके हैं, जो कि महानायक रहे हैं, और भी बड़े आपने, लेकिन उनसे बड़ा तो कोई नहीं माना जाएगा, कोई है ही नहीं विश्वभर में, और भी आपने बहुत सारे नेताओं की आपने पेंटिंग्स बनाई। भगवान कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जो किसी भी कलाकार को लुभाता है, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो नृत्यकार हो, चाहे वो पेंटिंग बनाने वाला हो, क्योंकि जो कलाकार को मटेरियल चाहिए वो भगवान कृष्ण के चरित्र में मिलता है, सौंदर्य है, लावण है, खूबसूरती है, चंचलता है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब मिलते हैं, इसीलिए आप देखो क्लासिकल सिंगर इन्हीं को गाते हैं, क्लासिकल डांसर, कथक देखिए आप, इन्हीं की लीलाएं दोहराई जाती हैं, ऐसे ही ये पेंटिंग में भी कृष्ण के चरित्र को बनाना और कृष्ण को बनाना वहीं सार्थक होती है पेंटिंग। बिल्कुल सही कहा, और बहुत बहुत आभार आपका, अपने कीमती समय में से आप यहाँ समय निकाल कर मैं मथुरा हूँ कि इस मंच पर आए, इस मंच को सुशोभित किया, और हमारे दर्शकों को और हमें चित्रकारी से संबंधित बहुत सारी एक से बढ़कर एक जानकारी दी, स्वर्ण चित्रकारी के विषय में बताया, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अनजान होंगे, अनभिज्ञ होंगे, महाभारत काल की एक चित्रकारी की ऐसी विधा जो विलुप्त हो चुकी थी, जिसको इन्होंने पुनः जीवित किया और जो अब फिर से भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, इसके साथ ही इन्होंने अब तक जितने पेंटिंग्स बनाए हैं उनके बारे में जानकारी दी। अभी कुछ इच्छाएं पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन कुछ कसक अभी दिल में इस तरह की बाकी है, इच्छा है भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पेंटिंग बनाई जाए, लेकिन इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको अगर देखा जाए, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गए हों इनकी पेंटिंग्स में, इतनी इनकी तूलिका में इतनी खासियत है, तो हम चाहेंगे कि इनका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो और यूं ही एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स बनाते रहें, अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भी कन्हाई परिवार की यूं ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से विश्व भर में पहचान दिलाती रहे, इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं, और आगे अभी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां, कार्यक्रम और वाद विवाद की तमाम बहुत सारी चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं देखने के लिए जुड़े रहिए नियो न्यूज के साथ, और हमारी जो खास कार्यक्रम है मैं मथुरा हूँ। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
प्रेम हूँ मैं आस हूँ मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ हर एक दिल में वास करता हूँ मैं मथुरा हूँ मैं मथुरा हूँ मैं मथुरा हूँ हरिदास हूँ रस खान हूँ मैं गीता हूँ कुरान हूँ मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ मैं मथुरा हूँ मैं मथुरा हूँ मैं मथुरा हूँ मैं न्याय हूँ विश्वास हूँ मैं दुखियों की आवाज हूँ मैं कंसों का संहार करता हूँ मैं मथुरा 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 हूँ 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा बसेरा ग्रुप वृंदावन बसेरा बैकुंठ फ्लैट से सस्ती विला आपके सपनों का घर रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन